देखिए अभी जो फौजी ऑपरेट हुई है ट्रेनिंग की बहुत ही शानदार परेड थी। अब देखा होगा जिस परेड का जो अनुशासन था स्मार्टनेस थी वो शो करती है कि इस प्रकार अच्छी ट्रेनिंग दी गई थी और जो कुछ भी भाव व्यक्त किए गए दीजिए साहब ने मैंने कुछ कहा वही भाव तो सबके हैं। आने वाले वक्त में जब ये ट्रेनी सम्मिलित होंगे अपने अपने विंग में तो मैं समझता हूँ कि पूरे उत्साह के साथ में पूरी लगन के साथ में प्रतिबद्ध होकर काम कर पाएंगे। उनके लिए आज का दिन बहुत ही जिंदगी का अहम दिन होता है जब उनकी पासिंग आउट परेड होती है तब मुझे खुशी है कि आज हम लोगों ने भाग लिया उसके अंदर। राजस्थान पुलिस बहुत शानदार काम कर रही है। राजस्थान में जो क्राइम है वो अन्य राज्यों के मुकाबले देखें तो बहुत कम है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या है ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि नेता लोग हमारे राजनीति के अंदर कि पहले भगा देते थे थानों से लोगों को FIR लॉज नहीं होती थी। कई लोग तो जाते नहीं थाने के अंदर जाए तो बेइज्जती होगी। उस माहौल को हमने ठीक किया है। अब थानों में स्वागत कक्ष बने हैं। स्वागत कक्ष बनने ही अपना मैसेज है। अब अगर मान लो कोई भी इक्के दुक्के लगे ऐसे होते भी है जो कि अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं पर जब स्वागत कक्ष बन गया तो मॉरल ड्यूटी उसकी भी हो गई कि भाई स्वागत कक्ष बने तो लोग क्या सोचेंगे हमारी शिकायत हो जाएगी या वेलकम का जो बनाए ऑफिस और या वेलकम क्या होता है तुम्हारी बदतमीजी होती है तो आधा फर्क उससे पड़ जाता है। माहौल बदल रहा थानों के अंदर भी कंपल्सरी FIR करना बहुत क्रांतिकारी निर्णय है। अब एक बार तो उसका FIR लॉन्च करनी पड़ती है तो उसके अकॉर्डिंग टू उसको एक्ट करना पड़ता है। उसके बाद में जो CO है या एडिशनल SP या SP है वो पूरा चेकिंग कर सकता है। ये क्रांतिकारी कदम देश के हर राज्य में होने चाहिए। आप किसी को मना नहीं कर सकते हो FIR के स्टेट पर आप मना नहीं कर सकते हो। हमने जो सरकार बनते ही फैसला किया तब भी मैंने कह दिया था कि इससे नंबर बढ़ेंगे परंतु हर आदमी को जिंदगी में लगेगा भाई मैंने कम से कम अपनी बात जाके थाने में लिखा दी है। पहले वो लिखा नहीं पाता था तो जिंदगी भर उसको अफसोस होता था कि मेरे साथ अन्याय हुआ मेरे बच्चों के साथ बच्चे के साथ अन्याय हुआ और ऐसी स्थिति देश के अंदर कि मैं अपनी बात भी पुलिस को न्याय जाके नहीं कह सकता। इस बात को इस मर्म को समझना पड़ेगा पब्लिक को भी क्योंकि हमारे विपक्षी पार्टी वाले लोग हैं ये ऐसी अफवाहें चलाते हैं कि बस रेप हो रहे हैं यहाँ पर क्राइम बढ़ गए हैं। इनको पूछो आप एक पैरा पढ़ लीजिए NCRB का नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो किताब निकली भारत सरकार की उसके पहले पेज में जो पैरा पढ़ ले कोई उसके बाद में उसकी बोलती बंद हो जाएगी। अगर उसमें ईमानदारी है तो ईमानदारी से बात करेगा क्योंकि पहले में लिखा हुआ है। हर स्टेट की अलग अलग स्थितियाँ होती है हर स्टेट की अलग अलग अप्रोच होती है तो जो क्राइम की जो संख्या है उसको आप जो है मान के नहीं चल सकते कि ये जो क्राइम की संख्या के आधार पर आप फैसला करो। ये लिखा उसके अंदर इतना अच्छा ड्राफ्टिंग वाला पैरा है। NCR की बुक जो बहुत ही माननीय बुक होती है अगर वो अपने पहले पेज में लिख रही है सोच के लिख रही होगी। आंकड़े जो जाते राज्यों से वो तो आंकड़े देते हैं तो मैं ही कहना चाहूँगा राजस्थान के तमाम प्रदेशवासियों को भी कि देखिए क्राइम तो सब जगह हिंदुस्तान भर में हर जगह होता है एक्सीडेंट भी होते हैं। अभी भी मैं बैठा था एक्सीडेंट की खबर आ गई है 6 लोग 12 लोग मर गए 6 लोग मर गए एक साथ में एक्सीडेंट में। पर राजस्थान की पुलिस राजस्थान का प्रशासन हर चीज़ को मॉनिटरिंग करता है। मैं मेरे लेवल पर खुद मीटिंग करता हूँ एक्सीडेंट कम कैसे हों क्राइम कम कैसे हों जितने भी हमारे जो ये हिस्ट्री शीटर है या NDPS एक्ट के लोग जो इन्वॉल्वमेंट पर रखने वाले लोग हैं वो माफिया है हम लोग सबको बंद कर रहे हैं। अभी मैंने आंकड़े बताया आपको कितने लोगों को बंद किया गया है 1.5 साल के अंदर तो क्राइम कंट्रोल है यहाँ पर फिर भी रेप की घटना कौन करता है बाहर विदेशी आता है क्या अधिकांश घटनाएं करते हैं उस लड़की के
खुद के रिलेटिव करते हैं, जान पहचान वाले करते हैं, परिवार के मिलने वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वही करते हैं अधिकांश जगह। नंबर तीन, आधा 56% जो क्राइम है वुमेन के ऊपर, वो तो झूठे आंकड़े आते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं और हमने उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। और मैं कहना चाहूंगा डीजी साहब खड़े ही मेरे पास में, ऐसे लोग जो झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं उनको मैं छोड़ना नहीं चाहिए, संगीन उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो, लॉजिकल कॉन्क्लूजन जाना चाहिए, जिससे कि और लोग जो हिम्मत नहीं करे बदनाम करने की पुलिस को, राजस्थान सरकार को और राजस्थान प्रदेश को भी। अगर किसी प्रदेश के अंदर ऐसी खबरें आती, क्राइम बढ़ गया, रेप हो रहा है, ये हो रहा है, तो उससे पूरा प्रदेश की इमेज खराब होती है देश के अंदर। हाँ, अगर वास्तव में अगर सच्चाई है तो उसको आप बोलो, आलोचना करो, हम तो खुश होते हैं, आलोचना से हमें फीडबैक मिलता है, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते। मेरी थ्योरी ये है, मेरी जिंदगी की भी, मेरी व्यक्तिगत भी और मेरी सरकार की भी, कि अगर कोई आलोचना करता है उसको बुरा कभी मत मानो। हाँ, बुरा तब लगता है तब आप बिना तथ्यों के अफवाहें चला रहे हो पुलिस के बारे में, वो बुरा लगता है। अगर आप तथ्य है, सच्चाई है, लाओगे, आलोचना करोगे, हम वेलकम करेंगे, हम सुधार कर लेंगे, तो हम तो इस रूप में चलने वाले लोग हैं। पर जिस प्रकार से बीजेपी के लोग, हमारे जो नेता लोग हैं, इनको लगा कि शानदार बजट पेश हो रहे हैं, शानदार स्कीम आ रही राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान में कई स्कीमें नहीं, वो हमारे यहाँ पे स्कीम है, और उससे घबरा गए लोग। अब घबरा करके जिस प्रकार के कैंपेन चला रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, कैंपेन चला रहे हैं और कैसे भड़का रहे लोगों को, जैसे झालोर की घटना देखिए आप, अलवर की घटना देखिए, लड़की का रेप हुआ नहीं बेचारी का, और उसके घर वालों में क्या बीतती है, वो लड़की भी मंदित थी, घर वालों पर क्या बीती होगी, शायद रेप हो गया, बाद में मालूम पड़ा एक्सीडेंट हुआ। तो ये इस प्रकार की, और सीबीआई को कह दिया हमने, फिर सीबीआई ने क्या कर लिया, कहने का मतलब ये है कि विपक्ष को भी अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए, सच्चे के आधार पर निभाए। हम कुछ चाहेंगे विपक्ष धरना दे, प्रदर्शन करे, कुछ भी करे, विपक्ष अपनी भूमिका निभाए, हम अपनी भूमिका निभाएंगे। हम उनकी तरह, हम गवर्नमेंट नहीं चल रहे हैं, जो आज देश के अंदर धज्जियां उड़ रही है, संविधान की उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे मान रहे हम, तो राज कौन कर रहा है, ईडी कर रही है, इनकम टैक्स कर रही है, सीबीआई कर रही है, घरों में घुस जाती लोगों के, चुनाव आते ही, ये लोकतंत्र है क्या? हालात तो वहां खराब करके इनको चाहिए, राजतक नेताओं को जरा आए दिल्ली के अंदर, डेलीगेशन लेके जाए और समझाए जनता में कितनी क्रेडिबिलिटी कम हो रही है इन एजेंसियों की भी और भारत सरकार की भी। सर, दुष्कर्म में पहले नंबर पर आया है तो क्या निर्बाध पंजीकरण और यहाँ की पारिस्थितिक जो चीजें हैं वही उसकी वजह है या और भी कुछ कारण है? मैंने कह दिया ना, वो झूठे मुकदमे हैं उनका मानिश कर दीजिए, अगर मुकदमा सही है तो एक भी केस बताए जहाँ पुलिस ने कार्य तत्काल नहीं की हो, अरेस्ट नहीं किया हो, मतलब आप बताइए जो केस हुआ था वो कन्हैयालाल वाला, उसे 4-6 घंटे में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, चीफ मिनिस्टर चला गया सेकेंड वहां पर, डीजी पुलिस चले गए, चीफ सेक्रेटरी चले गए, आप बताइए इतना बड़ा वो मामला था, कितना आग भड़क सकती थी उससे, पूरे देश के अंदर आग लग सकती थी, किस प्रकार हैंडल किया, पूरा देश उसको अप्रिशिएट कर रहा है राजस्थान में हमने जो किया। और आप जालोर घटना देख लीजिए, अभी तक भी लोग आ रहे हैं वहां पर और फैला रहे हैं अनशन की बातें फैला रहे हैं, भाई सच्चाई तो रहने दो, आपको तो केस को सीबी को दे देते हैं, अगर आपको विश्वास नहीं है राजस्थान पुलिस पर कि सीबी को दे देंगे, हमारे क्या लगता है। पर आप बिना मतलब राजस्थान बदनाम करने का किसी को नहीं है, कुछ लोग जो है क्योंकि मीडिया इनके दबाव के अंदर है, टोटली दबाव के अंदर है, जो चाहते वो लिखवाते हैं, छपाते हैं और दिखाते हैं, तो ये जो हालात है देश के अंदर वो ठीक नहीं है, हमें चिंता लगी उसकी। सर, सब इंस्पेक्टर का आज कार्यक्रम हुआ, 2019 से अब तक किसी सब इंस्पेक्टर की प्रमोशन नहीं हुई, आपकी बजट घोषणा ये थी कि सभी थानों को प्रदेश में इंस्पेक्टर लेवल, बजट घोषणा हमारे लिए सबसे महत्व रखती है, कोई कारण हुआ होगा उसको दिखवा देंगे, और मैं समझता हूँ कि राजस्थान सरकार या बजट पेश करते हैं हम लोग सोच समझ के करते हैं।